दूसरा क्वार्टर फाइनल है अल्फा इंटरनेशनल एकेडमी और ऑल बेस्ट चिल्ड्रंस स्कूल के बीच शुरुआत हो चुकी है इस मुकाबले की, जहां पर अल्फा इंटरनेशनल एकेडमी पहली रेड के लिए तैयार और इनका सामना ऑल बेस्ट चिल्ड्रंस स्कूल से मिड लाइन के काफी ज्यादा करीब थे और बोनस प्लस वन लेकर के गए शुरुआत में। अब ऑल बेस्ट चिल्ड्रंस स्कूल की तरफ से ये रेड, और नहीं, कैश आउट। एक सुपर टैकल सिचुएशन, आसान भी होगा मुश्किल भी होगा, लेकिन ऐसे में अगर मल्टी पॉइंट आ जाए तो क्या कहने, केवल तेजी। जर्सी नंबर 3 और 4 आउट, और अब ऑल आउट के बेहद नजदीक ऑल बेस्ट चिल्ड्रन स्कूल। क्या ये रेडर अपनी टीम को ऑल आउट से बचा सकते हैं? खुद ही आउट ऑफ बाउंड चले गए और बिना किसी मेहनत के आखिरी रेड में ये पॉइंट दे दिया ऑल आउट। इसके साथ साथ ऑल बेस्ट चिल्ड्रन स्कूल, और ये क्या ही एस्केप, कमाल, लाजवाब, और ये बड़ी सुपर रेड, 5 पॉइंट की सुपर रेड, और इसी चीज का भार लेकर के समय रेडिंग की कोशिश, लेकिन ये डिफेंस अग्रसर है। 1+2 3 पॉइंट्स अल्फा इंटरनेशनल, और इसके साथ साथ पहले ही हाफ में दूसरी बार ऑल आउट कर दिया है यहाँ अल्फा इंटरनेशनल एकेडमी ने अपने प्रतिद्वंदी ऑल बेस्ट चिल्ड्रन स्कूल को 19 पॉइंट की लीड। पहले हाफ के आखिरी मिनट में यहां पर क्या एक बड़ी रेड और हो सकती है, ऑल बेस्ट चिल्ड्रन स्कूल ने आखिरकार यहां पॉइंट्स लेना शुरू किया है। एक किक की कोशिश लेफ्ट कॉर्नर पर, और अब अपना फुटबॉल दिखाते हुए राइट कॉर्नर ने, लेकिन पूरी तरह से एंकल होल्ड को किया पूरा, और रेडर आउट फिर से अल्फा इंटरनेशनल। हाफ टाइम चेंज द गोल, और उसी के साथ हाफ टाइम की ये घोषणा, और अभी तक ये जो स्कोर लाइन है 24-3 की, ये हित में दिख रही है अल्फा इंटरनेशनल एकेडमी के, लेकिन ऑल बेस्ट चिल्ड्रन स्कूल को कुछ तो करना होगा ताकि वापस ये हो सके सेकंड हाफ में। दूसरे हाफ के इस पहली रेड में क्या कोई मोमेंटम में फिर बदल हो सकता है? कोशिश लगातार, 20 सेकंड की रेड है, 20 सेकंड के अंदर वापस भी आना है, लेकिन डिफेंस ने खुद ही रोक लिया। सुपर टैकल की स्थिति है, खैर ऑल बेस्ट इंटरनेशनल स्कूल अब यहाँ सुपर टैकल करके अपने पॉइंट बढ़ा सकते हैं, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। राइट कॉर्नर में एक हुआ, फिर से ऑल आउट के नजदीक ऑल बेस्ट चिल्ड्रन स्कूल। क्या कोई सोलो टैकल? ओहो, ये तो आसान था, डिफेंडर खुद ही आगे थे, है अल्फा इंटरनेशनल एकेडमी के हाथ में। फिर से एक बार ऑल आउट, तीसरी बार। इस समय पीयूष वेट पे हैं, पीयूष निकल के जाना चाहते हैं, लेकिन कितने पॉइंट्स? रेडर सेव, 2 पॉइंट्स अल्फा इंटरनेशनल। ऑल आउट की स्थिति थी, वो भी कंप्लीट किया देवराज के लिए और अल्फा के लिए, ये बहुत ही अच्छी रेड थी, सुपर 10, ऑल आउट, सब चीजें। अल्फा इंटरनेशनल क्या फिर से पॉइंट्स लेंगे सार्थक, क्या फिर इस बार बाहर किए जाएंगे? वेल, मिड लाइन के करीब थे ये। रेडर सेफ, बोनस प्लस 2 पॉइंट्स अल्फा इंटरनेशनल, जर्सी नंबर 5 और 7 आउट। एक और सुपर रेड, इस बार सार्थक ने वो काम करके दिखाया। 3 अलग अलग खिलाड़ी हैं अल्फा इंटरनेशनल एकेडमी में, सार्थक, देवराज और पीयूष, तीनों ही लगातार रेड्स के लिए आ रहे हैं, तीनों ही डिफेंस में भी पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं। अल्फा इंटरनेशनल शायद हर एक लेग के केबीडी जूनियर्स के खिलाड़ियों को बताना चाहते हैं कि अल्फाज कौन है केबीडी जूनियर्स के, और इसी के चलते अल्फाज रोर करे हैं अल्फा इंटरनेशनल एकेडमी के ऑल आउट के साथ अर्धशतक। अल्फा इंटरनेशनल एकेडमी ने यहां पर अपने हाफ सेंचुरी को पूरा किया अपनी आखिरी रेड में, और एक बड़े स्टेटमेंट, एक बड़े ऐलान के साथ धूमधाम से प्रवेश करते हुए सेमीफाइनल्स में। स्कोर नहीं, एक चेतावनी बनी है अल्फा इंटरनेशनल एकेडमी की, 50-3 का ये स्कोर लाइन।